हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे और आज उसका लास्ट लेक्चर है, जो कि बहुत ही हल्का लेक्चर है, बहुत ही लाइट लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि उसके अंदर हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन हालांकि वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। और वो जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो घर से जुड़ा हुआ है। आप साइंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, इससे कुछ मतलब नहीं है इस बात का, लेकिन आपको ये चीजें जो है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, घर का सर्किट, घरेलू सर्किट। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि घरेलू सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, हमारे जो घर के अंदर तारें बिछी हुई हैं वो कैसी हैं, वो किस तरीके का कनेक्शन है, उसके अंदर किस तरीके की वर्किंग होती है, तो काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अर्थिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स है बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई टर्म्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है अर्थिंग, किसे बोलते हैं ओवरलोड करना, ओवरलोडेड सर्किट किसको कहते हैं, शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं। शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, घर जल गया, सुना होगा आपने, है ना, दुकान जल गई, मकान जल गए शॉर्ट सर्किट होने के चक्कर में। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी और डीसी ये वही है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दो तरह के करंट होते हैं, आपने सुने तो होए। अल्टरनेटिंग करंट निकोला टेस्ला ने दिया था और डीसी करंट के बारे में जो सबसे ज्यादा रिसर्च करी है वो करी है थॉमस अल्वा एडिसन ने, है ना। तो इन दोनों की जो लड़ाई थी, हालांकि टेस्ला ने ट्रेनिंग ली थी, एम्प्लॉयर थे जो, और धोखेबाज भी थे ऐसा भी सुनने में आता है, कि जो निकोला टेस्ला थे उन्होंने एडिसन के अंडर ट्रेनिंग ली थी और एडिसन ने इनको धोखा दिया था, इनके पैसे वैसे कुछ मार लिए थे, ठीक है। तो जो भी था, चलो जो भी लड़ाई थी, हमें पर्सनल ग्रजेस के अंदर नहीं जाना लोगों के, ठीक है ना, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें तो दोनों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके दिया है, सोसाइटी को कुछ ना कुछ दिया इन्होंने, तो हमको वो दोनों पढ़ने हैं। लेकिन हम ये प्रूव जरूर कर देंगे कि एसी बहुत अच्छा है डीसी से, है ना, टेस्ला जिंदाबाद, तो हम लोग इसका जिंदाबाद होना प्रूव कर देंगे। हाउस होल्ड सर्किट के अंदर पैरेलल क्यों, सीरीज क्यों नहीं, ठीक है, पैरेलल जिंदाबाद क्यों है, सीरीज जिंदाबाद क्यों नहीं है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे उसके बाद कुछ, तो शुरू करते हैं। ये आपके आगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, एनसीईआरटी की इमेज है, देखी दाखी इमेज है, आप सब जानते हो इसको, आपको ये अपने हाथ से बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम पूछा गया है बोर्ड में पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीन तरह की तारें होती हैं घरेलू सर्किट के अंदर। कौन कौन सी तीन तारें होती हैं? सबसे पहली वायर होती है लाइव वायर, लाइव वायर में से करंट आता है, में से करंट आएगा, न्यूट्रल वायर में से करंट घूम के वापस जाएगा। अरे कोई भी सर्किट होता है, एक साइड से करंट आता है, एक साइड से जाता है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है ना। वो दोनों सिरे कहां जुड़े होते हैं? बैटरी के कोनों से जुड़े होते हैं। तो ये दोनों असल में बैटरी के कोनों से जुड़े हैं, ऐसा समझो आप। इन दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? वो 220 वोल्ट्स होता है, आगे जाकर के देखेंगे उसको। और एसी करंट आता है इसमें से, अल्टरनेटिंग करंट आता है 50 हर्ट्ज पर। वो हर्ट्ज के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है छोटा सा, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी उसको, ठीक है ना। तो लाइव वायर से करंट आएगा, घर को रोशन करेगा, और न्यूट्रल वायर से निकल के चला जाएगा। नाम की ही न्यूट्रल है, हाथ लगा के देखना चलेगा तुमको पता कितनी न्यूट्रल है। इसमें भी करंट होता है, नाम ही न्यूट्रल है बस इसका। तो पॉजिटिव वायर रेड कलर की होती है, ये कलर कोडिंग है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है, ये कलर कोडिंग है, ठीक है। तो ये दो तारे जो हैं ये हमको सर्विस प्रोवाइडर देता है, ठीक है। जिससे भी आप बिजली ले रहे हो, सरकारी बिजली ले रहे हो, प्राइवेट बिजली ले रहे हो, टाटा से ले रहे हो, रिलायंस से ले रहे हो, अडानी अंबानी जिसे मर्जी ले रहे हो, ठीक है, वो आपको दो तारे देगा। उन दो तारों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, उन दो तारों के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 220 वोल्ट्स होगा। तीसरी तार जो यहां पर आपको दिख रही है, ये हरी वाली, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ये वायर हमको खुद लगवानी पड़ती है, इसका खर्चा हमको खुद उठाना पड़ता है अर्थिंग करने का, ठीक है। अर्थिंग का खर्चा मिस्त्री लोग कर देते हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग कर देते हैं घर में आकर के अर्थिंग, ठीक है। आपको बताना पड़ता है भाई मुझे अर्थिंग करवानी है घर की, तो अर्थिंग हो जाती है। अभी अर्थिंग क्या होती है आगे जाके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या लगे हुए हैं इसके अंदर। लाइव वायर में से करंट आएगा, सबसे पहले फ्यूज बोर्ड में जाएगा, सबसे पहले फ्यूज झेलेगा उसको। अगर पीछे से करंट ज्यादा आता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्यूज कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा था। अगर करंट पीछे से ज्यादा आ गया, ये फ्यूज वायर जो है ये मेल्ट हो जाएगी, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी यहां से,
है ना, ये ब्रेक हो जाएगी, और ये जैसी ब्रेक हो जाएगी करंट आगे जा नहीं पाएगा, करंट आगे जा नहीं पाएगा, आपका घर जलने से बच जाएगा, अप्लायंसेस जो है वो फूकने से बच जाएंगे, नुकसान नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसीलिए जब भी करंट आए, ज्यादा ओवरलोडेड करंट आए, तो फ्यूज अपना रोल अदा करता है, फ्यूज अपना रोल प्ले करता है, खुद को पिघला लेता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, ताकि अंदर वाले जो अप्लायंसेज हैं वो सुखी रहें, है ना। ऐसा ही बनना चाहिए हमको। तो ये बीएसएफ है हमारी, है ना, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये सबसे आगे खड़ी है, फ्रंट लाइन पर खड़ी है, फ्रंट लाइन वर्कर है ये, है ना। गोली खाएगा तो यही खाएगा, गोली मारेगा तो यही मारेगा, है ना। बीएसएफ वाला ही जवान जो गोली मारता भी है और खाता भी है ना। आर्मी तो पीछे खड़ी होती है ना, हाउस द जोश वाले तो पीछे खड़े होते हैं, सबसे पहले जो बॉर्डर पर होता है वो बीएसएफ होती है। तो ये बीएसएफ एक तरीके से समझ लो, ठीक है ना। अगर आर्मी आई दुश्मन देश की तो सबसे पहले ये खड़ा है, समझ गया है। अब आगे बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है आप जानते हो, मीटर एनर्जी रीड करता है, कितनी एनर्जी खपी अब तक, कितनी खपत हुई है एनर्जी, कितनी कंजम्पशन हुई है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में खपत बोलते हैं, ठीक है। कितनी कंजम्पशन हुई है एनर्जी की, किलोवाट आर के अंदर निकाली जाती है इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी दोनों तारे घुस रही है, देखो, फिर ये दोनों तारे बाहर निकलती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, ये स्विच बोर्ड है जो मेन बाहर लगा होता है घर के, उसके बाद सारे सारे कमरों के अंदर जारी होती है ये। तो इस तरह से कमरों के अंदर जाकर के ये कुछ एक सॉकेट है जिस पर पैरेलल कनेक्शन हो रखा है, ध्यान से देखो आप, अगले पर भी पैरेलल कनेक्शन हो रखा है, ध्यान से देखो आप, अगले पर भी पैरेलल कनेक्शन हो रखा है, ध्यान से देखो आप। तो ये पैरेलली कनेक्ट है तीनों के तीनों। इस सॉकेट में आप कुछ भी डालोगे पैरेलल जुड़ जाएगा, इसमें कुछ भी डालोगे पैरेलल जुड़ जाएगा, इसमें कुछ भी डालोगे पैरेलल जुड़ जाएगा, समझ गए बात को। करंट आएगा उसको जगमगाएगा और बाहर निकल जाएगा, खत्म। अब आप पूछोगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ती है आपको, ये तीसरी वाली तार की, ये अर्थ वायर की क्या नीड पड़ती है अपने को, ये हरी वाली तार क्यों चाहिए हमको। तो बेटा हरी वाली तार यानी अर्थ वायर हमको किस लिए चाहिए, हमको चाहिए सेफ्टी के लिए। कैसी सेफ्टी, आप जानते हो कोई भी अप्लायंस अगर होता है, कोई भी अप्लायंस होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेटालिक स्ट्रक्चर जरूर होता है ना। कंडक्टर है तो मेटल होगा, है ना। और आप सोचो कि उस मेटल ने बाई चांस कोई लीकेज करंट होल्ड करा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई तार है जो जाकर के उसको छू रही है ना। वेयर एंड टियर हो जाता है चीजों के साथ। मिक्सर ग्राइंडर लेकर के आए थे, 8-10 साल से उसको चलाए जा रहे हैं, यहां से वहां उसको हिलाए जा रहे हैं, कोई ना कोई तार है जो जाकर के मेटल को टच कर जाए और वो मेटालिक सरफेस पूरा चार्ज हो जाए। और सोचो ऐसे में अगर आप उसको छू दो तो तुम खुद सर्किट का पार्ट बन जाओगे, खुद एक अप्लायंस बन जाओगे तुम। अगर तुमने ऐसे में किसको छू दिया, उस अप्लायंस को छू दिया, तो सोचो इस बात को, तुम्हें झटका लग जाएगा, वो जो करंट उसमें इकट्ठा हुआ वो तुम्हारे थ्रू होकर के जमीन में चला जाएगा और तुम एक सर्किट का हिस्सा बन जाओगे, तुम खुद कनेक्शन में आ जाओगे। अगर तुम कनेक्शन में आ गए तो तुमको झटका लग सकता है। अब डिपेंड करेगा वो पकड़ने वाला झटका या पीछे पीछे फेंकने वाला झटका है। दो तरह के शॉक लगते हैं, या तो पकड़े रहेगा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा पकड़ते हुए, या फिर एकदम से झटका लगेगा आप पीछे जाके गिरोगे, है ना। वो डिपेंड करता है कौन सा करंट आ रहा है, एसी आ रहा है कि डीसी आ रहा है, ठीक है ना। तो वो बात अलग है। अच्छा, उस करंट से बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते हैं? बड़ा मजा आ रहा है वो करंट खा के तुम लोगों को, है ना। मजा तो नहीं आएगा ना करंट खा के, उससे बचना चाहते हो आप लोग। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसी अप्लायंस से एक तीसरी तार और निकाल देते हैं, और वो तीसरी तार निकल करके सीधा जाती है धरती में, अर्थ में। इसलिए इस तार का नाम रखा हुआ अर्थ वायर। यहां पर इस तरह का दिखाते हैं इसको, ऐसा ये एक सिंबल होता है, अर्थिंग सिंबल है ये, ठीक है, ये ग्राउंडिंग सिंबल है, इस तरीके का सिंबल होता है ये ग्राउंड करने का सिंबल है। और वोल्टेज ग्राउंड पर जीरो होती है। अर्थ बहुत बड़ी है, उसका पोटेंशियल जीरो मानते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर जीरो मानते हैं, ऐसी अर्थ का पोटेंशियल, ग्राउंड का पोटेंशियल भी क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल करके, जितना भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है, जितना भी लीकेज करंट है, सारा निकल के कहां जाएगा, धरती में जाएगा। धरती संभाल लेगी, धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो तो चार्ज को संभाल लेगी, समझ गए ना। ऐसी हर घर से निकल निकल करके चार्ज धरती में जाता है, हर घर से कुछ ना कुछ अर्थिंग होकर के धरती में जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी पावर स्विचेज होते हैं सबके सब तीन सॉकेट वाले होते हैं, तीन पिन वाले होते हैं, तीन पिन वाला, थ्री पिन सॉकेट होता है। इसमें जो ये वाला सॉकेट होता है ना, ये वाला जो पिन होता है, ये जो छेद बना हुआ है, ये बना हुआ है अर्थिंग के लिए। इसमें से एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव करंट आने के लिए, नेगेटिव करंट जाने के लिए। और अर्थिंग का तो उस सर्किट से कोई रोल नहीं है, अर्थिंग तो हमें खुद करवानी पड़ती है, मैंने आपको बताया है ना। अर्थिंग का इस सर्किट से कोई रोल नहीं है, मतलब बिजली के प्रोवाइडर को नहीं पता भाई तुमने अर्थिंग करा रखी है नहीं करवा रखी,
टाटा अंबानी नहीं जानते कि तुमने अर्थिंग करवा रखी है या नहीं करवा रखी, ठीक है ना भाई, वो तुमको खुद देखना पड़ेगा। तो अर्थिंग एक सेफ्टी मेजर है शॉक से बचने के लिए, है ना, झटके से बचने के लिए, आग से बचने के लिए, इसलिए हमको अर्थिंग जरूर करवानी चाहिए अपने घरों की, ठीक है। तो चेक करना, पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, जो भी आपके गार्जियन उनसे पूछना, क्या हमारे घर में अर्थिंग हुई हुई है, क्या हमारे ऑफिस में अर्थिंग हुई है, क्या हमारे स्कूल में अर्थिंग हुई है। अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आग लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो अनहोनी ना हो, हादसा ना हो, इसलिए अर्थिंग होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं सर्किट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी सुनते जाओ जरा आप। कह रहा है वी रिसीव पावर इन अवर हाउस थ्रू अ मेन सप्लाई कॉमनली कॉल्ड मेन्स। वो जो दो तारे थी ना, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली, उनको मेन्स बोलते हैं, मेन सप्लाई, वहां से करंट आ रहा है। पहली बार जहां से करंट चल के घर में आया उसको मेन्स बोलते हैं, मेन सप्लाई है वो, ठीक। इट इज सप्लाइड थ्रू ओवरहेड केबल, सर के ऊपर से जो केबल जाती है, देखा होगा आपने बड़े बड़े टावर्स, है ना, खेत देखे होंगे आपने, खेतों में बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उनके ऊपर बहुत मोटी मोटी तारे जाती हैं, ओवरहेड केबल्स जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो वो ओवरहेड केबल कहते हैं। ऐसी अंडरग्राउंड केबल भी बिछती है, सड़क को खोद करके उसके अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारे बिछाते हैं, तो वो ओवरहेड केबल से या अंडरग्राउंड केबल से हम लोगों के घरों में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है पूरे पूरे देश में, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है पूरे देश में, तो ये वहां से आता है। द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सप्लाइड इन अवर कंट्रीज 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। सुनेंगे और समझेंगे इस बात को। 220 वोल्ट की वोल्टेज पर हमारे सारे अप्लायंसेस डिजाइन करे जाते हैं, हमारे सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट या उससे कम पर डिजाइन करा जाता है, ज्यादा पर भी करते हैं कुछ अप्लायंसेस को, फिर उसको ट्रांसफार्मर से बढ़वाना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर हमको एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है। अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, मान लो फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें चलनी है जो 220 वोल्ट पर नहीं चलनी, तो आपको एक्स्ट्रा लोड मांगना पड़ता है, ठीक है ना, आपको लिख के देना पड़ता है, चिट्ठी डालनी पड़ती है, भाई हमको एक्स्ट्रा लोड चाहिए, पैसा ले लो, लोड दे दो, है ना, तो वो बात है। लेकिन घरेलू डोमेस्टिक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स होता है एसी करंट, ये एसी करंट है, 50 हर्ट्स एसी करंट है। आप हर्ट्स का मतलब जानते हो, साउंड चैप्टर याद करो 9th क्लास का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है सुन लो ध्यान से 50 हर्ट्स का मतलब होता है एक सेकंड में 50 बार ऐसे 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 हिलना, एक सेकंड में 50 बार ऐसे 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 ऑसिलेट करना, 50 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 50 हर्ट्स। सोचो, आंखों से देख भी सकते हो, एक सेकंड में 50 बार कोई चीज ऐसे 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 हिले, देख पाओगे, दिखेगी वो, नहीं दिखेगी। अरे तुम तो मक्खी के पंख नहीं देख पाते, मक्खी जब पंख को फड़फड़ा रही होती है, भिनभिना रही होती है वो, तो उसके पंख दिखते हैं क्या, नहीं दिखते, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, तो यही है वो ऐसा ही समझ लो कि एक सेकंड में 50 बार ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ऑसिलेशन ऐसा होता है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये एक हुआ, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, ऐसा सोचो 50 बार हो रहा है एक सेकंड के अंदर, इसको बोलते हैं 50 हर्ट्स, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस बात को, ठीक है, एक सेकंड में 50 बार 50 टाइम्स ऑसिलेट करना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज 50 बार ऑसिलेट कर रही है एक सेकंड में, तो दिशा कितनी बार बदल रही है, एक ऑसिलेशन में कितनी बार दिशा बदलती है, मैं ऐसे मुड़ा, ये एक ऑसिलेशन हो गई ना, ऐसे और ऐसे, दिशा कितनी है, दो, एक ऑसिलेशन में दो दिशाएं, 50 ऑसिलेशन में कितनी दिशाएं, 100 दिशाएं, 100 बार दिशा बदलेगी ऐसे 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 करके करंट की एसी करंट की। बात समझ में आई आपको, एसी करंट पलटता रहता है ऐसे 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 पलटता रहेगा वो, तो एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलता है यानी 50 बार ऑसिलेट करता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है एसी करंट की, तो बोलोगे 100 बार, दिशा चेंज होती है 100 बार, ऑसिलेट करता है 50 बार, क्योंकि हर ऑसिलेशन में दो दिशाएं हैं, एक इधर की, इधर 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 इधर। 50 टाइम्स ऑसिलेट करने का मतलब 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होना, याद रखना इसको, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होना, ठीक है, याद क्या रखना है यार, समझने वाली बात है ना, तो 100 बार दिशा बदलती है, ठीक है। आगे फिर तीन तरह की वायर्स के बारे में बता रखा है, अर्थ वायर होती है, लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, मैंने आपको तीनों से
अवगत करा दिया। अर्थ वायर का काम होता है हरे रंग की होती है, यूजली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट प्लेस्ड इन अर्थ नियर द हाउस एज अ सेफ्टी मेजर टू ग्राउंड गैजेट्स दैट हैव अ मेटालिक बॉडी। जिनकी मेटालिक बॉडी होती है, जो कि ऐसी बॉडीज होती है जिनमें चार्ज स्टोर हो सकता है या उसमें चार्ज आ सकता है या आपको झटका लग सकता है, उसके अंदर 3 पिन वाला प्लग जरूर भेजा जाता है। आप आयरन खरीद करके लेके आओ, 3 पिन वाला प्लग मिलेगा। आप माइक्रोवेव खरीद करके लेके आओ, 3 पिन वाला प्लग मिलेगा। टीवी लेकर के आओ, 3 पिन वाला प्लग मिलेगा। तुम चार्जर खरीद के लाओगे, 3 पिन वाला कहां मिलता है? 2 पिन वाले होते हैं मोस्टली, 3 पिन वाले भी होते हैं वैसे, 2 पिन वाले होते हैं मोस्टली, है ना। तो जो छोटे अप्लायंसेस है उनमें दिक्कत नहीं है, बड़े अप्लायंसेस में दिक्कत आती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर दिक्कत आती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर छोटा छोटा करंट चलता है। इसमें बड़ा बड़ा करंट चलता है, बड़ा बड़ा करंट तो बड़ा बड़ा रिस्क है ना, रिस्क है तो इश्क है ना। चल, तो सेफ्टी मेजर की तरह से यूज होता है। गैजेट्स को ग्राउंड करने, गैजेट्स का मतलब अप्लायंसेस को ग्राउंड करने के लिए दैट हैव अ मेटालिक बॉडी। इनकी बॉडी कैसी हो? मेटालिक हो, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टोस्टर हो गया, वगैरह वगैरह। इन केस ऑफ चार्जेस लीकिंग ऑन टू द मेटालिक बॉडी द चार्जेस गेट ग्राउंडेड एंड दस प्रिवेंट शॉक। वही मतलब, वही बात हो गई कि अगर चार्ज लीक हो रहा है, अगर चार्ज कहीं से लीक हो रहा है, चार्ज कहीं से बह बह के बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो सीधा कहां घुस जाएगा? सीधा ग्राउंड में घुस जाएगा और शॉक को प्रिवेंट करेगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। आप में से नहीं जाना चाहेगा करंट, करंट बोलेगा तेरे में से क्यों जाऊं, तू कंडक्टर थोड़ी है, हम अच्छे कंडक्टर थोड़ी है, वी आर नॉट अ गुड कंडक्टर, वी आर अ बैड कंडक्टर, तो हम में से नहीं जाने वाला करंट, वो तो किसी वायर में से जाएगा, तो वही वायर हमने उसको दे दी कि भाई जा इस पाथ से निकल के जा धरती में घुस जा करके। ये होता है अर्थिंग। फिर आया लाइव वायर, पॉजिटिव वायर जनरली रेड इन कलर, और न्यूट्रल वायर, नेगेटिव वायर जनरली ब्लैक इन कलर। आना और जाना करंट का इससे होता है, लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये तो ऐसी है, दो टाइप के सर्किट होते हैं मोटे मोटे, दो टाइप के मोटे मोटे सर्किट होते हैं। एक होता है 5 एम्पीयर वाला, एक होता है 15 एम्पीयर वाला, जिसको पावर वाला बोलते हैं ना, ये देखो पावर सॉकेट बोलते हैं जिसको, वो 15 एम्पीयर का होता है। और जो नॉर्मल सॉकेट होता है जिसमें आप अपना चार्जर, फोन का चार्जर लगाते हो, वो 5 एम्पीयर का होता है, वो 5 एम्पीयर होता है। तो दो तरह के जनरली देखे जाते हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, हमारे देश के अंदर दो तरह के सॉकेट देखे जाते हैं, 15 एम्पीयर 5 एम्पीयर। ओवरऑल वर्ल्ड भी ऐसे ही है, 5 एम्पीयर वाला छोटा हो गया, 15 एम्पीयर वाला बड़ा हो गया। वॉशिंग मशीन कनेक्ट करनी है, 15 एम्पीयर वाले में कर। एसी कनेक्ट करना है, 15 एम्पीयर वाले में करो। हीटर कनेक्ट करना हो तो भी 15 एम्पीयर वाले में करो। माइक्रोवेव करना हो तो भी 15 एम्पीयर वाले में करो। और छोटी मोटी चीजें चलानी है, बल्ब चलाना है, फैन चलाना है, लैपटॉप चार्ज करना है, फोन चार्ज करना है, तो 5 एम्पीयर इनफ है, है ना, 5 एम्पीयर काफी है। तो जिनकी लो पावर होती है जैसे टीवी, बल्ब, फैन वगैरह, वो सारे 5, और गीजर, रेफ्रिजरेटर, एसी बड़े बड़े 15 एम्पीयर वाले। ये सब ज्ञान की बातें थी। अच्छा, अब दो टर्म्स आती हैं, एक ओवरलोडिंग और एक शॉर्ट सर्किट। क्या होता है ओवरलोडिंग, क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग, सुनेंगे ध्यान से। ओवरलोडिंग होती है जब पीछे से करंट इतना ज्यादा आ जाए कि वायर होल्ड ना कर पाए, वायर होल्ड ना कर पाए, वो जो पर्टिकुलर अप्लायंस है वो होल्ड ना कर पाए, इतनी हीट पैदा हो जाए कि वो जल जाए, ठीक है ना, मतलब बहुत बुरी स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति हो जाए जब, है ना, तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ऐसे में अगर ओवरलोडिंग हो गई, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई अगर एकदम से, तो क्या होगा? तो जो फ्रंट लाइन पर बैठा है उसको बलिदान होना पड़ेगा, है ना, उसको बलिदान देना पड़ेगा। तो बलिदान यहां किसको देना पड़ता है? फ्यूज को। अगर फ्यूज कनेक्ट नहीं है तो अंदर वाला नहीं बच पाएगा, है ना। आर्मी नहीं हो हमारा तो हमारा क्या होगा, आप समझ सकते हो क्या होगा। इसलिए यहां पर फ्यूज वायर अगर हमारी कनेक्ट है, ठीक है, अगर फ्यूज कनेक्ट है और बहुत ज्यादा करंट आ गया, मान लो ये वायर होल्ड कर सकती थी 7 ही एम्पियर और 8 एम्पियर का करंट आ गया मान लो, ठीक है, तो बस हो गया काम, लोड़ी बन जाएगी इसकी तो यहीं पर, है ना, तो ये जाएगा और इस तरीके से ये वायर मेल्ट हो जाएगी। अगर फ्यूज कनेक्ट नहीं है तो फिर गड़बड़ हो गई, फ्यूज है तो बच जाओगे, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट इट बिकम्स मोर देन द कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन द सर्किट टू रेजिस्ट द करंट। मतलब कंपोनेंटों के बस की नहीं है, जो अप्लायंसेस कनेक्ट हैं उनके बस की नहीं है होल्ड करना करंट को, नहीं है बस की तो क्या होगा, जलेंगे बेचारे, है ना। तुम अगर रेजिस्ट नहीं कर पाओगे दुश्मन देश की सेना को तो खुद मरना पड़ेगा या कोई और तुम्हारे लिए मरेगा, सीधी सी बात है। अगर तुम ट्रेंड नहीं हो तो मरोगे भाई,
When too much current passes, an electric overload occurs. जब बहुत ज्यादा करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक ओवरलोड होगा, ठीक है, which may cause fire to break. इससे आग लग जाएगी, इससे आग लग जाएगी. तो ये ओवरलोडिंग था. अच्छा, वो ओवरलोडिंग से बचे कैसे? तो भाई फ्यूज, फ्यूज, ठीक है, दुश्मन देश से बचना है तो आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी, वही वाली बात है. तो फ्यूज होना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूज लगाना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं, फ्यूज लगाना पड़ेगा. शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? अब देखो, शॉर्ट सर्किट जैसा नाम में है ना, छोटा सर्किट, ये छोटा ही सर्किट हो जाता है. शॉर्ट सर्किट है ही छोटा सर्किट. कैसे छोटा सर्किट है, समझाता हूं आपको. देखिए, देखिए, मान लीजिए कि ये बैटरी है, ये बैटरी है, इस बैटरी से बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है, ये बल्ब जुड़ा हुआ है, तो करंट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बल्ब जगमगा रहा है, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया, घुस गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम से बढ़िया से सर्किट चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. बाई चांस सोचो कि ये पॉजिटिव वाली वायर और नेगेटिव वाली वायर आपस में टच हो जाए, है ना, बोलते हैं ना घर वाले कि भैया इन दोनों को टच मत करियो, ये तो क्या होगा, पटाखा बोलेगा, आग लग जाएगी. वो शॉर्ट सर्किट ही होता है, वो शॉर्ट सर्किट ही है. अगर आपने पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को टच कर दिया आपस में, बोले तो ये कर दिया आपने, देखो जरा बाई चांस ऐसा हो गया, या शरारत में आपने ऐसा कर दिया, मत करना ऐसी शरारतें, 10th क्लास के बच्चे हो तुम, ऐसी शरारतें मत करना. ठीक है, आग लगने का खतरा है, जान एवं माल का नुकसान हो जाएगा. चलो देखो, मान लो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टच हो गया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये टच हो गया ना, आपस में टच हो गई. अब देखो करंट क्या बोलेगा, करंट आया, चला, यहां खड़ा हो जाएगा, बोलेगा यार आगे क्यों ही जाऊं, क्यों ही बल्ब को जलाऊं, बल्ब में तो रेजिस्टेंस होगी ना, कुछ ना कुछ बल्ब में तो कुछ ना कुछ, मान लो 10 ओम की रेजिस्टेंस है. करंट बोलेगा यार आगे क्यों ही जाऊं मैं, जब मुझे लो रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है. तो करंट यहां पर आकर के सोचेगा, अबे इधर क्यों ही जाऊं मैं, यहां मैं क्यों ही जाऊं, जब मुझे लो रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है. तो क्या होता है कि सारा का सारा करंट यहीं से पास और यहीं से पास होकर कहां घुस जाता है, बैटरी में. अब इसी पॉइंट में से इतना सारा करंट अगर पास हो गया, बहुत ज्यादा करंट अगर यहां से पास हो गया, तो क्या होगा, आप खुद सोचो क्या होगा. इसी एक पॉइंट में से खूब सारा करंट निकल गया, रेजिस्टेंस जीरो, तो करंट इनफाइनाइट करंट निकल जाएगा. मैं एक आइडियल सिचुएशन समझा रहा हूं आपको, कि अगर रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई, लो रेजिस्टिव पाथ मिल गया, तो करंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और करंट बहुत ज्यादा हो गया तो यहां पर हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, आग लग जाएगी, फिर वही नुकसान, जान या माल का नुकसान हो जाएगा, है ना. तो इसलिए ये शॉर्ट सर्किटिंग था, इसे को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. पहले सर्किट लॉन्ग था, अब सर्किट शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया सर्किट, नाम में ही छुपा है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है. आया समझ में? कैसे बचे? भाई इंसुलेशन चेक करते रहो टाइम टू टाइम, कहीं तार कहीं से उखड़ तो नहीं गई, गल तो नहीं गई, है ना, कहीं से पहली गर्मी आई हो अगर तार के अंदर हल्की फुल्की, तो प्लास्टिक तो नहीं उखड़ गया उसके ऊपर का, उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है कहीं वो तो नहीं हट गई है, कहीं टेपिंग हो रखी थी वो टेपिंग तो नहीं निकल गई है, तो वो जॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं. ठीक है, अगर लकड़ी के घर हैं, जैसे कश्मीर के अंदर लकड़ी के घर बहुत ज्यादा होते हैं, पत्थरों के घर अब बनने स्टार्ट हुए हैं वहां पर कश्मीर में, पहले लकड़ी के घर बहुत ज्यादा होते थे. ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट की बहुत ज्यादा केसेस रहते थे वहां पर. तो इसी तरीके के पहाड़ों में शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा सुनने में आता है. तो इसलिए ऐसे जो घर होते हैं, ठीक है, जहां पर पक्के मकान नहीं है, खासकर जहां बारिश वाले इलाके होते हैं, वहां पर भी शॉर्ट सर्किटिंग जल्दी होती है. ठीक है, तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि वायर में कहीं कोई कट तो नहीं आ गया, कहीं कोई ज्वाइनिंग तो नहीं हो रही, कहीं कोई स्पार्किंग तो नहीं हो रही, कहीं कोई टचिंग तो नहीं हो रही. तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है. ये है किस्सा सारा शॉर्ट सर्किटिंग का. अ शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अलाउज अ करंट टू ट्रेवल अलॉन्ग एन अनइंटेंडेड पाथ विद वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अनइंटेंडेड पाथ, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ले लेता है करंट. दिस रिजल्ट्स इन एन एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विच मे कॉज फायर टू ब्रेक. इससे आग लग जाएगी, है ना, एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाएगा एकदम से इसी पॉइंट में से, तो ये अच्छी बात नहीं है. एसी और डीसी,
एसी और डीसी के बीच का अंतर क्या है? एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन टू सिटीज एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिक पावर. देखो ऐसा है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ज्यादा बातें तो 12th क्लास के अंदर है, क्योंकि आपको पहले ईएमआई अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है? तो आपको एसी समझ में अच्छे से आता है, और एसी समझने के लिए आपका वेव मोशन क्लियर होना चाहिए, है ना? तो अभी के लिए मैं सिर्फ थ्योरी वाली बातें कर सकता हूं आपके साथ, मैं ज्यादा न्यूमेरिकली चीजें को नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, 10th क्लास है वैसे भी ये, ठीक है? तो एसी सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंसेस इवन बिटवीन टू सिटीज एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पावर कम भी नहीं होगी और दो शहरों के बीच में करंट भी ट्रांसफर हो जाएगा. इतना बढ़िया करंट होता है एसी करंट, इतना बढ़िया करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह खड़ा खड़ा ऑसिलेट करता है, कहीं घूम के नहीं आता, घूमना नहीं पड़ेगा. डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ये इसके पीछे पीछे चलेगा हमेशा ऐसे. लेकिन एसी में क्या होगा, ये इस तरीके से रिंगा रोजेस खेलेंगे सारे, समझ गए ना बात को, सारे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे हिलेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स. एसी करंट ऐसा ही है. इसके अंदर क्या होगा कि सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ के ना ऐसे पोषंपा लाल किले में क्या हुआ ऐसे करेंगे एसी करंट में. डीसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन डीसी में क्या होगा, डीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, चलेगा आगे, ये वाला चल के यहां तक पहुंच जाएगा, ये वाला चल के थोड़ा और आगे तक, ये वाला और थोड़ा आगे तक, ये वाला थोड़ा और आगे तक. यहां पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे हिलेगा, बगल वाला ऐसे हिलेगा. तो सारे एक बार इस तरफ, फिर सारे एक बार इस तरफ. ऑसिलेट करते रहेंगे, समझ गए बात को. ये होता है एसी करंट, ठीक है? तो एसी सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंसेस, दूर तक जाता है बिना रुके, बिना मरे, बिना डरे, ठीक है? बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है एसी करंट. लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी कैन नॉट ट्रेवल फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंसेस नहीं चल पाता, अपनी पावर को लूज कर जाता है, ठीक है? ये पावर फैक्टर वाली बातें बारहवीं में जाकर के खुद पढ़ना यार, ठीक है? मैं आज नहीं बता पाऊंगा ये बातें, ठीक है ना? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंडेंट अपॉन द कंट्री, देश प्रदेश पर डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी. अमरीका और अमरीका के प्यारे प्यारे देशों में 60 हर्ट्ज है, और यूके और यूके के प्यारे प्यारे देशों में, जो कि हम भी थे कभी, कॉलोनियल स्टेट थे हम भी, है ना, तो हमारे यहां पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, यूएस के अंदर 60 हर्ट्ज की होती है. ये यूएस है, ये भारत है, ठीक है ना? तो भारत के अंदर 50 हर्ट्ज है और अमेरिका जैसे देशों के अंदर 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 60 हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज है, केवल फ्रीक्वेंसी है ये तो. और अप्लायंस वैसा ही डिजाइन हो जाएगा ना, 60 हर्ट्ज वाला डिजाइन हो जाएगा अप्लायंस, क्या दिक्कत है? 50 हर्ट्ज वाला तो 50 हर्ट्ज वाला अप्लायंस डिजाइन हो जाएगा. अप्लायंस का डिजाइन तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना भाई, वर्लपूल पे डिपेंड करेगा, एलजी पे डिपेंड करेगा, फलाना ढिमकाना जितने भी ब्रांड्स हैं वो उसी हिसाब से बनाएंगे अपने अप्लायंस को कि 50 हर्ट्ज पर बहुत बढ़िया चले. अब क्या यही कपड़े धुलते हैं, वहां कपड़े नहीं धुलते क्या अमेरिका में, या वहां कपड़े ज्यादा अच्छे धुलते हैं या कम कपड़े अच्छे धुलते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अप्लायंस सब बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया. डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती इसकी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे पलटता थोड़ी रहता है, ये तो कांस्टेंट चलता है, ये कांस्टेंट चलता है, ये पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा या हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहने का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही रहता है ये, है ना? और एक ही दिशा में चलता रहेगा कांस्टेंट. वैल्यू कम ज्यादा भी नहीं होती इसकी वैल्यू कम ज्यादा भी होती है लेकिन, ठीक है? तो इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड्स पीरियोडिकली. देखो लिखा हुआ है, एसी में फ्लो ऑफ करंट जो है वो अपनी दिशा को पीरियोडिकली चेंज करता है. अब ये पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन बचपन में पढ़े हैं बेटा, है ना? ये मत बोलना कि सर ये क्या होता है, पीरियोडिकली क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना, तुम जानते हो पीरियोडिकली क्या होता है, ओके? इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन. देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चलते जाएंगे, दैट इज फॉरवर्ड, है ना? ऑलवेज फॉरवर्ड. तुम्हें भी अपनी जिंदगी में क्या करना है, ऑलवेज फॉरवर्ड, ठीक है? तो ऑलवेज फॉरवर्ड चलना है भाई. इलेक्ट्रॉन्स इन एन एसी कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ये तो वही वाली बात हो गई, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चेंज करता रहता अपनी डायरेक्शन को, पीछे और आगे, ऐसे ऑसिलेट, आगे पीछे, ऐसे हिलते रहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एसी इज लेस एक्सपेंसिव, इजी टू जनरेट देन डीसी, ठीक है? और डीसी से एसी का कन्वर्जन भी बड़ा इजी होता है. ये कन्वर्जन सारे 12वीं क्लास में आएंगे, चिंता मत करो. सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको रेक्टिफायर पढ़ना पड़ेगा, वहां पढ़ लेना इसको, ठीक है? नहीं तो गूगल पे सर्च करना रेक्टिफायर कैसे काम करता है,
पहले उसके लिए पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना पड़ता है, ठीक है, छोड़ो ज्ञान क्या पहलू। प्रोड्यूसिंग डीसी इज एक्सपेंसिव, प्रोड्यूस बाय फोटोवोल्टिक सेल्स एंड बैटरीज। ये जो बैटरी वाला करंट तुमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, बैटरी जोड़ी जाती है वो डीसी देती है। एसी करंट तुमने नहीं पढ़ा बेटा, एसी करंट के लिए तुमने अप्लायंसेस को नहीं जोड़ा अभी तक, है ना, ये सिर्फ अभी के लिए तुम्हारे लिए थ्योरी ही है एसी करंट। लेकिन तुमने डीसी पर काम किया है, तुमने सीरीज सर्किट बनाया, तुमने पैरेलल सर्किट बनाया, तुमने बल्ब जोड़े, तुमने ये किया वो किया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर तुमने बहुत कुछ किया, तुमने सब कुछ डीसी के साथ किया है, तुमने एसी को नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। एसी की सिर्फ मैंने आपको थ्योरी थ्योरी थोड़ी बहुत बताई है, जितनी आवश्यक थी उतनी। एसी करंट देखो ऐसा है, पॉजिटिव होगा, येलो नहीं दिखेगा तुम्हें, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा फिर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ, नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ। पॉजिटिव का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहां ऑसिलेट करेंगे फिर यहां ऑसिलेट करेंगे, एक जगह खड़े 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 ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां क्या होगा, यहां आगे आगे बढ़ेंगे बस, यहां इलेक्ट्रॉन आगे ही आगे बढ़ेंगे भाई जिंदगी में, ठीक है ना, आगे ही आगे बढ़ेंगे बस। ये है डीसी, ठीक है, ये डीसी और ये एसी, एसी करंट डीसी करंट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल बारहवीं में पढ़ लेना भाई, जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। पैरेलल और सीरीज सर्किट है ना, इंपॉर्टेंट भी है भाई, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पैरेलल सर्किट क्या होता है, सीरीज सर्किट क्या होता है, ईच अप्लायंस वुड, लकड़ी कहां से आ गई, कोई नहीं और कहीं तो नहीं है, ठीक है। चलो सुनो सुनो, ऐसा है भाई, पैरेलल कनेक्शन का फायदा यह होता है, पैरेलल कनेक्शन का फायदा यह होता है कि जितना भी वोल्टेज आप कनेक्ट करोगे, मान लो यहां पर आपने 220 वोल्ट कनेक्ट किया है, ठीक है, तो पैरेलली इस बल्ब पर भी उतना ही 220 वोल्ट पड़ेगा और इस बल्ब पर भी 220 वोल्ट ही पड़ेगा, सेम वोल्टेज पड़ती है पैरेलल के अंदर। सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है, बातें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमने ये बातें कर ली है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है लेकिन सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है। इधर वोल्टेज डिवाइड होगी, अगर मान लिया 220 वोल्ट है ना, तो यहां 110 ही मिलेगी इसको और इसको भी 110 ही मिलेगी, तो ये पूरे पूरे जलेंगे क्या, क्या ये पूरी तरह से ग्लो करेंगे क्या, नहीं करेंगे। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसकी पावर घट जाएगी क्योंकि इसकी वोल्टेज कम हो गई है, यहां वोल्टेज उतनी ही मिल रही है, इधर भी 220 वोल्ट ही मिल रहा है और इधर भी 220 वोल्ट ही मिल रहा है, तो यहां तो बढ़िया से बल्ब जलेंगे, यहां बढ़िया से बल्ब नहीं जलेंगे, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया पैरेलल का, पैरेलल जीत गया सीरीज हार गया। दूसरा, हर अप्लायंस को अपना स्विच मिलता है, यहां तो चलो एक ही स्विच कनेक्ट कर रखा है, लेकिन मैं चाहता तो यहां पर ऐसे एक स्विच यहां कनेक्ट कर सकता था इधर और एक स्विच इधर, लेकिन इधर क्या होता, इधर तो एक ही स्विच है, इसको ऑन किया दोनों जल जाएंगे, इसको ऑफ किया दोनों ऑफ हो जाएंगे, तो सीरीज सर्किट की ये नुकसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर के सर्किट सीरीज और पैरेलल मिक्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल सर्किट जो होगा, जो मेन सर्किट होगा वो पैरेलल होता है, समझे बात को, मेन सर्किट जो होगा वो पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल सीरीज दोनों मिक्स सर्किट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक स्विच से ऑन नहीं कर सकते, आप इसको भी एक स्विच से ऑन एक स्विच से ऑफ कर सकते हो, इसको भी एक स्विच से ऑन एक स्विच से ऑफ कर सकते हो, ऐसा ये मन में शक मत रखना कि भाई पैरेलल ही पैरेलल होगा सीरीज नहीं होगा, सीरीज पैरेलल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन सर्किट जो होता है वो हमेशा पैरेलल ही होता है, ठीक है। कमरे के अंदर के जो सर्किट होंगे वो सारे पैरेलल के, एक स्विच ऑन किया तो उसकी लाइट अलग है, दूसरा स्विच ऑन किया तो फैन अलग है। अब आपको फैन चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, फैन नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक बटन थोड़ी ना दोनों चला लोगे, एक बटन थोड़ी ना दोनों बंद कर लोगे, अलग अलग सेपरेट स्विचेस चाहिए होंगे उसके लिए। तो इसलिए पैरेलल में सेपरेट स्विचेस पॉसिबल हैं, सीरीज में सेपरेट स्विचेस पॉसिबल नहीं है। ये हो गया दूसरा। तीसरा, इफ वन अप्लायंस गेट्स डैमेज्ड, अगर एक अप्लायंस खराब हो गया किसी कारणवश, तो दूसरा अप्लायंस बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर से करंट निकल आएगा, ऊपर करंट नहीं जाएगा, अप्लायंस खराब हो गया ऊपर करंट नहीं जाएगा, नीचे से करंट निकल के आ जाएगा वापस। लेकिन यहां पर अगर एक अप्लायंस खराब हो गया, खराब होने का मतलब होता है जल गया फूक गया, ऐसे वायर थी तो ऐसे उखड़ गई इसकी वायर, तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा चलना, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा चलना। तो आप कंपेयर कर लेना, ठीक है, यहां पर भी लकड़ी लिखा हुआ है यार,
ओके समझ में आ गई बात। तो ये पैरेलल और सीरीज का डिफरेंस था। सीरीज मुर्दाबाद, पैरेलल जिंदाबाद। ओके लेक्चर नंबर 4, पिछले लेक्चर के एनटीएससी वाले क्वेश्चंस आ गए भाई, बढ़िया वाले क्वेश्चन आ गए। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बार मैग्नेट व्हिच पासेस थ्रू द रिंग सच दैट द रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड द बार मैग्नेट ड्रॉप डाउन इन द रिंग। खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। ये एनटीएससी ही है भाई, ये एनटीएससी लेवल ही है। क्या पूछ रहा है पता है? वो पूछ रहा है, कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, उसको ड्रॉप किया, उसको ड्रॉप किया, मतलब मान लो मैंने इसी को ड्रॉप कर दिया, इसी को मान लो मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अब इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, अगर इसको अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो ये फ्री फॉल करता हुआ, फ्री फॉल करता हुआ नीचे जा रहा है कि नहीं? ये फ्री फॉल करता हुआ नीचे जा रहा है ना। तो जब ये फ्री फॉल करता हुआ नीचे जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? इसकी एक्सेलरेशन होती है जी के बराबर, इसकी एक्सेलरेशन होगी जी के बराबर, है ना, 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पता क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और उसके नीचे एक लूप रखा हुआ ऐसे, ये ना मान लो ऐसे करके लूप रखा हुआ और ऐसे छोड़ रहे हैं, तो इसमें से पार होकर के जाएगा ये, इमेजिन करना, इसमें से पार होकर के जाएगा ये, तो इसमें से इसने पार होकर के जाना है, इसमें आर पार होकर के जाना है। तो एक बात बताओ, जब ये इसके करीब पहुंचेगा, जब ये इसके करीब पहुंचेगा, इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज झेल नहीं पाएगा, बोलेगा मेरे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का चेंज मैं होने नहीं दूंगा, और नहीं होने देने के लिए ये इसको रिपेल करने लगेगा, हां या ना, ड्यू टू ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये ईएमआई से ना यहां पर भी क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल बना लेगा, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बना लेगा, लेंज लॉ याद करो, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था मैंने, है ना। तो नॉर्थ पास आएगा तो क्या बना लेगा? नॉर्थ बना लेगा। नॉर्थ का मतलब, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, नॉर्थ पोल बना लेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। मुझे एक बार बताओ, ये मैग्नेट की गति थोड़ी धीमी नहीं हो जाएगी क्या? जैसे ये मतलब ऐसा होगा, देखो पहले तो ये ऐसे निकल जाता था, ऐसे निकल रहा था, अब क्या होगा? अब ये ऐसे हो जाएगा, हल्का सा स्लो, मतलब तेज आ रहा होगा, स्लो हो जाएगा और स्लो करके निकलेगा, तो इसकी इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी क्या? कम होगी क्या? ज्यादा होगी क्या? क्या होगी ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो भाई इट इज लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी, सी आंसर है इसका, है ना। कुछ ढीला हो जाएगा ये, है ना, कुछ डर जाएगा ये, तो डर सा आ जाएगा इसके अंदर, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? इसकी एक्सेलरेशन लेस देन जी हो जाएगी, है ना। कुछ कुछ रिपल्शन हुआ ना बेटा, तो इसलिए ये उस एक्सेलरेशन से नहीं गिर पाएगा जिस एक्सेलरेशन से ये पहले गिर रहा था, उससे कुछ कम पे ही गिरेगा आगे। दूसरा वाला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन एन एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आप जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे, आप जैसे ही इस की को जोड़ोगे, ये की जुड़ गई, की जुड़ते ही करंट चालू हो जाएगा इसके अंदर। पर किस में चालू होगा, एम में या एन में? दोनों में। आप पूछोगे दोनों में कैसे? इनका कनेक्शन आपस में थोड़ी हो रखा है, इनका कनेक्शन हो रखा है, मैग्नेटिक कनेक्शन हो रखा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक कनेक्शन इनके बीच का। कैसे है मैग्नेटिक कनेक्शन? सुनेंगे सुनेंगे। जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन ऑन करूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, करंट राइज करेगा। मैंने ये बातें पहले करी हुई हैं आपके साथ, है ना, तो जल्दी से समझ में आ जाएगी आपको बातें। करंट राइज करेगा, किस में करंट राइज करेगा? एम में। एम लूप बाहर वाला लूप है, एन लूप अंदर वाला लूप है ना। एम आई एम के अंदर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो एन बोलेगा मेरे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ क्यों रही है, मैं उसको अपोज करूंगा, है ना। एन बोलेगा मैं उसको क्या करूंगा? अपोज करूंगा। अब एक बात बताओ, एम के अंदर करंट क्लॉकवाइज है या नहीं? और क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल बनाएगी इस एन पर? वो बनाएगी साउथ पोल, वो बनाएगी साउथ पोल। एन बोलेगा मेरे थ्रू साउथ पोल बनाती है, तेरी ये हिम्मत, नॉर्थ पोल बनाऊंगा मैं उसको अपोज करने के लिए।
बात समझ में भाई, लेंज लॉ भी लग रहा है, ईएमआई भी लग रहा है और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी लग रहा है। ये पिछला वाला टॉपिक जो था लेक्चर नंबर 2 जो था वो सब यहां पर यूज हो रहा है बेटा, है ना। तो पूरा ज्ञान लेकर के अगर आ रहे हो आप पीछे से तो एक क्वेश्चन करने में फिर ये हलवा है, फिर ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो दोबारा से सुनो, आपने जैसे ही करंट जोड़ा, जैसे ही आपने करंट चालू किया, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है साउथ पोल। एन बोलेगा माने एन वाला लूप बोलेगा मेरे थ्रू साउथ पोल बन कैसे रहा है, मैं तो उसको अपोज करूंगा और अपोज करने के लिए क्या बनाऊंगा, नॉर्थ पोल बनाऊंगा। तो भाई ने क्या किया, भाई ने नॉर्थ पोल बनाया, एन वाले ने क्या बनाया, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब कैसा करंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा करंट चलेगा इसके अंदर। ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो एन के अंदर कैसा करंट चला, इन विच डायरेक्शन द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन एन, आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा इन एन, ठीक है। एन लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, एक बात, क्यों चलेगा, दूसरी बात क्यों, ड्यू टू ई एम आई, बस इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे, ई एम आई की वजह से ऐसा हो रहा है। पूरी कहानी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन तीन टॉपिक्स पर। ये तीनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनते आए हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा तीनों के अंदर, कब कौन सा लगाना है वो भी पता चल जाएगा। अलग अलग लेक्चर में पढ़ाया है, अलग अलग दिन पढ़ाया है, सबको इकट्ठा हो जाएगा सिर्फ इस एक लेक्चर को देखने पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।